जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर के उस कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं जो हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे है। कैलेंडर बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। हालांकि पिछले 4 सालों में अपने एसएससी का सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और सीपीओ में कम क्वेश्चन है कैलेंडर से, लेकिन इसके अलावा बिहार एसएससी हो, स्टेट लेवल का और कोई एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस दे रहे हो, या आपका भविष्य में कोई बीएड का एंट्रेंस हो, सीटेट हो, ऐसे एग्जाम में हमारे पास रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। रेलवे के अंदर अगर एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, रेलवे टेक्नीशियन की बात करें, आरपीएफ की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों के रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोगों से कैलेंडर के अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों के सामने होते हैं। तो जो क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में पूछा जा रहा है वह क्या होगा, तो या तो वह बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे पढ़ेंगे तो वह क्वेश्चन डे इंटरवल का होगा। डे इंटरवल से आगे बढ़ेंगे तो वह क्वेश्चन मंथ इंटरवल का होगा, और मंथ इंटरवल से आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त तो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन होगा तो वह ईयर इंटरवल से होगा। और यही क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे है। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कुछ क्वेश्चन है, यहां से भी है। मंथ इंटरवल के क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास ये क्वेश्चन भी है। तो बारी बारी से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इनके अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और उसको सोल्व करने का क्या टेक्निक होगा। तो आज की क्लास में जो मैंने टॉपिक चुना है वह बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को आपके लिए चुना है। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल भी, क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आप कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और ये श्योर है कि अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आपका कैलेंडर के अंदर जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन सभी को हम लोग सोल्व करेंगे इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अगले 3-4 क्लास के अंदर हम लोगों का ये कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ होगा। हर दिन में एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो ईयर होता है उस ईयर को हम लोग दो कैटेगरी में बांट के रखे हुए दो कैटेगरी का मतलब, एक को हम लोग जनरल ईयर के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। अब ये जनरल ईयर और लीप ईयर का क्या मतलब है? तो जनरल ईयर और लीप ईयर का मतलब क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जनरल ईयर में टोटल 365 दिन होता है और इसमें फरवरी 28 दिन का होता है। ये बेसिक अंतर है हम लोगों का, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, ये बात हम लोग पहले से जान रहे हैं। लीप ईयर के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे टोटल 366 दिन होता है जिसमें हम लोगों का फरवरी 29 दिन का होता है। तो बेसिक जो अंतर है हम लोगों का जनरल ईयर और लीप ईयर के विषय में, उसमें 365 दिन होता है जिसमें फरवरी 28 दिन का होगा, और लीप ईयर के अंदर 366 दिन होगा जिसमें फरवरी 29 का होगा। आपको पता है कि इसको हम लोग हिंदी में सामान्य वर्ष या इसको हम लोग साधारण वर्ष के नाम से जानते हैं, और ठीक वैसे ही हम लोग इसको हिंदी में भी लीप वर्ष के नाम से पुकारते हैं, या कभी कभी इसको अधिवर्ष के नाम से भी पुकारा जाता है। अधिवर्ष, कभी कभी इसको गैर लीप भी बोला जाता है, गैर लीप भी बोला जाता है। तो ये इसका हो गया नामकरण, ये हो गया पहचान करने का तरीका। लेकिन क्वेश्चन अभी वहां पे टिका हुआ है, वो बात हम लोग नहीं समझ पाए कि हम किसको लीप ईयर कहेंगे और किसको हम जनरल ईयर कहेंगे। मतलब 2004 हमारे पास आया तो 2004 को हम लीप ईयर कहेंगे कि जनरल ईयर। कोई पूछेगा 2000 कुछ दिन पहले बिता हुआ है, कुछ साल पहले बिता हुआ है, तो 2000 हमारा लीप ईयर होगा कि जनरल ईयर होगा। 2015, 2016, 2020, 1892, 1632, ये क्या होगा, लीप ईयर होगा कि जनरल ईयर होगा, इस बात को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो इस बात को समझने के लिए हम लोगों के पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कोई पूछेगा 2004,
कोई पूछेगा 2005, कोई पूछेगा 1892, कोई पूछेगा 2121, कोई पूछेगा 1680। तो आपको क्या करना है कि उसको चार से भाग दे लेना है। बिल्कुल बात हम लोग बचपन से जानते हैं, तो चार से भाग दे लेंगे। और चार से भाग देने का क्या मतलब है, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि अंतिम का अगर दो अंक चार से कटेगा तो पूरी संख्या चार से कटेगी। तो ये चार से कटेगा तो इसको हम लोग लीप ईयर के नाम से पुकारेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये चार से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग जनरल ईयर के नाम से पुकारेंगे। ये चार से कटेगा, हाँ ये चार से कट जाएगा तो इसको हम लोग लीप ईयर के नाम से पुकारेंगे। ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा तो इसको हम लोग जनरल ईयर के नाम से पुकारेंगे। और ये कटेगा तो हाँ ये कट जाएगा तो इसको हम लोग लीप ईयर के नाम से पुकारेंगे। जो चार से कट जाएगा, जो चार से कट जाएगा उसको हम लोग लीप ईयर बोलेंगे, 100% लीप ईयर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि भाई तू बता कि 100 लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, 200, 300, 400, 1600, 1700, 1900 ये लीप ईयर होगा कि जनरल ईयर होगा, अगर कोई ये बात पूछेगा, तो हमने कहा कि इसको कैसे डिफाइन करिएगा, जिसके अंत में डबल जीरो लगा रहेगा, 100, 200, 300, इसको कैसे कैलकुलेट करिएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको 400 से भाग देना है। इसको किससे भाग देना है, 400 से भाग देना है। और 400 से भाग देने के बाद अगर ये कट जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि भैया वो लीप ईयर है, और नहीं कटेगा तो बोलेंगे कि वो साधारण ईयर है। जैसे आप देखिए ध्यान से, हम लोगों का ये चार से कटेगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 100/400। अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25, तो ये पूरा पूरा नहीं कटा। तो इसको किस नाम से पुकारेंगे, इसको बोलेंगे जनरल ईयर है। ये क्या है, तो ये भी चार नहीं कटेगा पूरा पूरा, ये जनरल ईयर है। ये तो ये भी नहीं कटेगा तो ये है जनरल ईयर। ये कट जाएगा तो कट जाएगा तो इसको बोलेंगे लीप ईयर। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि फर्स्ट सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर होगा वो कौन सा होगा। तो फर्स्ट सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर है, फर्स्ट सेंचुरी ईयर लीप ईयर, तो वहां पे फर्स्ट सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर है वो क्या है, 400 है। फिर ये 400, फिर ये भी हम लोगों का लीप ईयर है। लेकिन इसके बारे में सोचिएगा तो ये नहीं कटेगा तो इसको बोलेंगे जनरल ईयर। ये भी नहीं कटेगा तो इसको बोलेंगे जनरल ईयर। ये भी नहीं कटेगा तो इसको बोलेंगे लीप ईयर। यानी हम लोगों का 400 से जितना, किसको 400 से काटना है, जिसके अंत में डबल जीरो रहे, 100, 200, 300, 400, 500, 2000, 1600, 1800, 1900, 2100, 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 2
देना है, 400 से भाग देना है। अगर कटेगा तो लीप होगा, नहीं कटेगा तो जनरल होगा। और बाकी जो देख पा रहे उसको 4 से काटना है, कटेगा तो लीप होगा, नहीं कटेगा तो जनरल होगा। अब इसी छोटे से कॉन्सेप्ट से हम लोगों के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। कह रहा है निम्न में से कौन सा लीप ईयर है, निम्न में से कौन सा लीप ईयर है, लीप ईयर है तो ये 1890, इसको 4 से भाग दीजिएगा, 2002 4 से भाग दीजिएगा, 2028 4 से भाग दीजिएगा, 2021 4 से भाग दीजिएगा। तो जब इसको 4 से भाग दिया जाएगा तो केवल ये वाला ऑप्शन कटेगा, तो ये आंसर हो गया, ये लीप वर्ष है। ये 1600 है तो इसको किससे भाग देंगे, 400 से। 1700 है किससे भाग देंगे, 400 से। 1800 है किससे भाग देंगे, 400 से। किससे भाग देंगे, हम लोगों का पहले जो क्वेश्चन आता था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ SSC CHSL, पहले 2014-15 तक काफी नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते थे। तो यहाँ पे ये कटेगा, ये कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हम लोगों के कैलेंडर के, जो हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कौन सा सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष के बारे में पूछा है। अब सामान्य वर्ष के बारे में पूछा है तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा और देखिए कौन कौन कट रहा है, कौन नहीं कट रहा है। तो हम लोगों का ये तो कट जाएगा 4 से, ये भी कट जाएगा, तो कटेगा तो ये क्या कहलाएंगे, लीप ईयर। ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर। यह क्या कहलाएगा, लीप ईयर। ये 4 से नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, जनरल ईयर हो जाएगा।
इसको किससे भाग देना है, 100 लग गया तो 400 से भाग दीजिएगा ना, तो 400 से जब भाग दीजिएगा तो ई सब तो कट जाएगा 400 से, लेकिन ये हम लोगों का नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा जनरल। तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों से पूछा जाएगा कौन सा लीप ईयर है, कौन सा जनरल ईयर। अब ये कह रहा है कि 1890 से 1910 के बीच हम लोगों का कितना लीप ईयर होगा। अब ये रेलवे हम लोगों का एनटीपीसी और डीएलएड का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। अब चलिए इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर सोचना है तो 1890 के बाद 1892 लीप ईयर होगा, 1896 लीप ईयर होगा, 1904 और 1908, फिर आगे इसके हम लोगों का 10 आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये लीप ईयर कहलाएगा, ये भी लीप ईयर कहलाएगा, ये लीप ईयर कहलाएगा तो नहीं, ये जनरल ईयर कहलाएगा, ये लीप ईयर कहलाएगा हाँ कहलाएगा, ये लीप ईयर कहलाएगा हाँ कहलाएगा। यानी 1890 से लेके 1890 से लेके हम लोग जब 1910 के बीच में जाएंगे, 1910 के बीच में जाएंगे तो इसके बीच में हम लोगों का कंप्लीट 4 गो लीप ईयर पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 लीप ईयर हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे नजर आते हैं। मेरे दोस्त अब यही देख लीजिए, प्रथम 22 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। जैसे अभी हम लोगों का 2001, 2002, 2000 के बाद कितना साल है, 2024 चल रहा है, यानी हम लोगों का ये 2000 के बाद 24वां साल चल रहा है, ठीक है। तो वैसे जब कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी तो अगर हम लोगों का 2024 चल रहा है तो इससे पहले, जैसे ये 2024 चल रहा है तो 2024 से पहले 23 रहा होगा, 2022 रहा होगा, ऐसे करते करते 2000 रहा होगा, 2000 से पहले फिर 1900 रहा, ऐसे करते करते कभी ना कभी तो पहला ईयर रहा होगा, कभी ना कभी तो पहला ईयर रहा होगा। तो वही कह रहा है कि पहले प्रथम 22 वर्षों में कितने लीप ईयर रहे होंगे या हैं। तो आपको पता है कि 4 साल के बाद लीप होता है, प्रत्येक चौथा साल लीप होता है, तो हम लोगों का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल ये जनरल ईयर कहलाता है, ये जनरल ईयर कहलाता है, और ये जो चौथा साल होगा इसको हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। फिर पांचवां, छठवां और सातवां ये हम लोगों का जनरल ईयर होगा, और ये फिर आठवां जो होगा हम लोगों का लीप ईयर होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 4 का मल्टीपल है वही लीप ईयर होगा। तो प्रथम 22 वर्षों में 4, 8, 12, 16 और 20 यही हम लोगों के लीप ईयर रहे होंगे। तो कितने हो गए, 5 लीप ईयर हो गए। तो ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। काफी नॉर्मल ये क्वेश्चंस हम लोगों को दिए जा रहे हैं, काफी काफी आसानी से। अब यहां पे दिया हुआ है प्रथम 50 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको अब क्या करना है, तो आपको देख लेना है, आप इसको निकालने का दूसरा टेक्निक भी था, जैसे 22 वर्ष है ना, तो आप 22 को भाग दे लीजिए 4 से, 4 × 5 = 20, तो यानी ये पता चला कि 22 वर्ष में जो भी यहां बचेगा वही हम लोगों का लीप ईयर होगा। तो पूछा है प्रथम 50 वर्षों में, तो आप 50 को 4 से भाग दे लीजिए, 12 × 4 = 48, कितना बचेगा, 2। इससे मतलब नहीं, ये जो आ रहा है ना यही हम लोगों का लीप ईयर होगा, यही हम लोगों का टोटल लीप ईयर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक जगह सावधानी भी रखना है, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोगों का, यहाँ पे क्या सावधानी रखना है, प्रथम 100 वर्ष में, तो आप 100 को भाग दीजिएगा 4 से, 25 बार में कट जाएगा, तो आएगा 25 लीप ईयर। आपको लग रहा होगा कि यार लीप ईयर 25 होगा, ये आप सही हैं, लेकिन 100 जो है वह लीप ईयर नहीं है, 100 क्या है, जनरल ईयर है। तो 100 वर्षों में हम लोगों का 25 गो लीप ईयर होता, लेकिन 100 लीप ईयर नहीं है, तो ये कितना लीप ईयर टोटल हो जाएगा, 24 लीप ईयर होंगे। तो 24 लीप ईयर होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों का पूछा हुआ है। मेरे दोस्त आप देखो, कह रहा है कि प्रथम 100 वर्षों में कितने जनरल ईयर होंगे, तो अभी अभी पढ़े हैं कि 100 वर्ष के अंदर हम लोगों का 24 लीप ईयर है, तो 100 में 24 लीप ईयर है, तो कितना बचेगा, 76 जनरल ईयर। जनरल ईयर कितना हो जाएगा, 76। तो यहां पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो इस तरह से हम लोगों का ये 76 आंसर कहीं भी होता तो कर लेते कि 76 हम लोगों के जनरल ईयर होंगे। मेरे दोस्त आप देखो,
कि जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों का रेलवे का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, सॉरी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा है, एमसीआई एमटीएस में पूछा हुआ है, एफसीआई में पूछा हुआ है, और जो हम लोग अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जहां पे हम लोग यूनिवर्सिटी के चयन में, कॉलेज के चयन में हम लोगों का जो एग्जाम होता है सीयूईटी का, उसके अंदर भी ये पूछा हुआ है कि प्रथम 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको पता है कि 100 साल में 24 लीप ईयर होगा, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, तो अगला जो 100 साल होगा उसमें भी 24 गो लीप ईयर होगा, तो 24 और 24 कितने हो गए, 48 लीप ईयर हो गए, और यहाँ पे 48 दिया है तो इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं बिल्कुल बड़ी आसानी से, हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो देखिए 100 साल में 24, फिर 200 साल तक में जाएंगे तो भी 24, फिर 300 साल तक में जाएंगे तो भी 24, फिर जब 400वें साल के पास जाएंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का 400 ईयर लीप ईयर है, तो 24 24 24 96 और एक कितना हो जाएगा 97। कुछ लोग इसका 96 आंसर देते हैं, वो सही नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा। इसी बेस पे हम लोगों का ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 800 सालों में, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे करते करते जब 800 साल में हम जाएंगे तो कितना लीप ईयर होगा, तो ये ऐसे लीप ईयर पूछना है। तो आपको पता है कि 400 साल में 97 लीप ईयर हो गया, तो अगला भी जो 4 साल होगा 800 साल के पास जाएंगे तो उसमें भी 97 हो जाएगा, जोड़ देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 194। 194 ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, तो इस तरह से हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। मेरे छोटे भाई ये जो बिल्कुल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हम लोगों के अपने एग्जाम में दिया हुआ है, इसे बना सकते हैं। हमने कहा कि कोई भी आपका एग्जाम हो उसे अब बनाया जा सकता है। ये हालांकि प्रीवियस क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे पूछा है कि 1 ईस्वी से लेके अभी तक कितने लीप ईयर हुए हैं, तो आपको पता है कि हम लोगों का जो 400 साल है उसके अंदर 97 हुआ होगा, जो फिर 800 साल वाला के पास गए होंगे उसमें भी 90, फिर 1200 साल के पास गए होंगे उसमें भी 97 हुआ होगा, फिर हम लोग 1600 के पास गए होंगे उसमें भी 97 हुआ होगा, और 2000 के पास गए होंगे इसमें भी 97 रहा होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद इसको जोड़ लीजिएगा, फिर हम लोगों का 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024 अभी तक बीत चुका है, यानी हम लोगों का इधर देखा जाए तो 6 हो गया, और बाकी ई सबको जोड़ लीजिए, यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। मेरे दोस्त मैंने आपसे कहा कि हम लोगों के पास जो भी कैलेंडर का क्वेश्चन है, अभी जो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, और इसी बेसिक क्वेश्चन से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद कल हम लोग डे इंटरवल, उसके बाद मंथ इंटरवल, उसके बाद ईयर इंटरवल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में हम लोग यहीं पे खत्म होंगे, अपने पॉइंट को एंड करते हैं, और फिर अगले क्लास में हम लोग नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद।